जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको WB बाय हिमानी शानिल, यानी कि हमारे इफ्तार के क्विज मुकाबले में कि जिसके तीनों कंटेस्टेंट्स हमारे साथ हैं। इजी कलर की बाइक आज का विनर हमारा लेके जा सकेगा। पाकिस्तान का पहला सिंथेटिक कलर है इजी कलर वन नेशन। WB बाय हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं सबके लिए। सिविस्टन की वॉच है रनर अप के लिए। WB बाय हिमानी वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, और हमने अपना नया परफ्यूम भी लॉन्च किया है JAF इन कोलैबोरेशन विद शावीर जाफरी, इंटरनेशनली रेनाउंड यूट्यूबर। सर आपका नाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, काशिफ मेहदी। क्या करते हैं काशिफ भाई? मैं ग्रेजुएट हूं डेवलपमेंट स्टडीज में। जबरदस्त, वेलकम टू द शो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? सैयदा फिजा फातिमा। क्या करती हैं फिजा साहिबा? मैं BS एजुकेशनल साइकोलॉजी फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी। अल्लाह क्या बात है, जबरदस्त वेलकम। जनाब शायान साहब। क्या करते हैं शायान भाई? मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और कंप्यूटर साइंस। इंटर विंटर कर रहे हैं? कहाँ है? इंटर कर रहे हैं, जबरदस्त। वेलकम टू द शो। रूल्स एंड रेगुलेशन आप सब लोगों को मालूम है, बजर बजा के चेक कर लें एहतियातन। पहला राउंड बजर राउंड है, बजर पे जब आप बजाएंगे तो मैं रुक जाऊंगा। सही जवाब पे +10, गलत जवाब पे -10 है। सही जवाब पर हम भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई करेंगे। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो हम -10 भी करेंगे और ताजियत भी करेंगे। कैसे? घरों में बैठे हुए लोग अभी अभी अपनी टीम्स बांट लें, जो जो आपस में पूरी फैमिली देख रही है, और यहाँ पर हम भी अभी टीम ले लेते हैं। बताएं कौन सी टीम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। मैं कैसा हूँ? मैं भी ठीक हूँ। टीम कौन सी है? टीम ए। ए टीम ले ली है बच्चों ने, और बड़ों ने बी। अक्सरियत बी, अक्सरियत आप लोग की बी कह रही। अच्छा, लेकिन जोएब भाई आप लोग के साथ है, वो कह रहे हैं ए, बाकी सब ने ले ली है टीम बी। चले भाई, तो रूल एंड रेगुलेशन आप सब लोगों को मालूम है। एक दफ़ा तालियां बजा के भी मुकाबले का आगाज करते हैं। भाई ऐसा करते हैं कि आज मेरी ख्वाहिश है कि आज ज़रा हम एक आवाज से ही आगाज करें। जरा एक आवाज सुनिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। बिस्मिल्ला सुनाइएगा। अल्लाह ताला के तीन नाम बताए गए इस आयत में, कोई दो बता दें? वही दो जो पढ़े गए सर, अल कुद्दूस हाँ और अल जब्बार। अल जब्बार बेशक है नाम और इस आयत में आगे आ भी रहा है, लेकिन मैं कहता इसमें नहीं था, ये सवाल था। रहीम? नहीं नहीं, वो तो खैर जवाब तो हो गया ना, वैसे रहीम भी नहीं था, तो ये जवाब गलत हो गया। अल मलिकुल कुद्दूस सलाम, सलाम पे मैंने ऑडियो रुकवा दी थी। अल मुमिन, अल मुहैमिन, अल मुतकब्बिर, अल जब्बार, वो तो फिर आगे बहुत सारे नाम, लेकिन जो पढ़े गए थे उनमें से ये था। और राइट, सो ये जो इस आयत में खुदावंद ताला की सिफात या नाम बयान किए गए, ये कौन सी सूरह की तिलावत हो रही है जनाब? सूरह हश्र। बिल्कुल सही जवाब, जबरदस्त, क्या बात है। ये वीडियो देखिए, फिर मैं इससे मुतालिक बाकी सवाल करता हूँ। ये इसी ऑडियो की वीडियो दिखाइएगा जनाब। क्या बात है, वाह बात है, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने। क्या आप में से कोई मुझे बच्चे का नाम बता सकता है? ए ने बजाया पहले। जी सर, हाफिज अबू बकर। हाफिज अबू बकर इनका नाम, बिल्कुल सही है आपका जवाब। क्या आप में से कोई बता सकता है कि कमाल, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तिलावत तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने हाल ही में किस हवाले से अपना नाम कमाया दुनिया भर में, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया आलम इस्लाम का भी? जी मैडम डी। अच्छा सॉरी, ए आई एम सॉरी। जी जी जी, ईरान में मुकाबला था बैन लोका में जिसमें ये जीते। ईरान में मुकाबला हुआ, इराक में भी एक मुकाबला हुआ करबला मौला में, जिसमें दुनिया भर से हुफाज और कारी हजरात को मधु किया गया, वहां से दुनिया भर से कारी आए। पाकिस्तान के हाफिज अबू बकर ने इसमें पहली पोजिशन हासिल की, क्या बात है, बिल्कुल सही आपको जवाब। और क्या कहने, जबरदस्त लुत्फ आ गया भाई, वाह वाह, और रोंगटे में अभी तक खड़े हैं ये तिलावत सुन के, क्या कहने। सूरह हश्र की तिलावत हो रही थी, अल्लाह ताला की सिफात बताई जा रही थी। ये कौन से पारे में है? ऑप्शन चले बता दीजिए। 28वें पारे में, बिल्कुल सही आपका जवाब, क्या बात है। माह नुजूल कुरान है, ये एक अमली मुजाहरा है कि किस तरीके से कुरान करीम वो किताब है कि जो सारे मुसलमानों का मरकज है और किसी भी और इख्तलाफ से बालातर होकर है, और सब हम कैसे सारे मुसलमान इस पे यकजा हैं, इसका बेहतरीन ये मुजाहरा है। और अल्लाह करे कि हम इसी तरह अपने इस मामले को आगे बढ़ाएं, पूरी उम्मत मुस्लिमा इंशाल्लाह बगैर किसी तफरीक के। 28वें पारे का ये सूरा पढ़ा गया।
28वें पारे का नाम क्या है? मैं ऑप्शंस देता हूं, 28वें पारे का नाम है सयकुल, या 28वें, जी जनाब सीने बजाया ना मैंने, जी कसमी अल्लाह, बिल्कुल सही जवाब, जबरदस्त अबू बकर साहब, सही है ना जवाब, आपको तो जवाब बताऊंगे, अबू बकर साहब भी माशाल्लाह हिफ्ज कर रहे हैं। 28वें पारे में कुरान करीम की एक सूरा है जिसकी हर आयत में लफ्ज अल्लाह आता है, वो कौन सा सूरा है? सूरह हशर से पहले है वो सूरा सूरह मुजादिला है या सूरह मुमतहना है जनाब? सूरह मुजादिला या सूरह मुमतहना? जी आपने बजाया बजर, फर्स्ट वन, सूरह मुजादिला सही है आपका जवाब। ऑलराइट, जबरदस्त। अगली आवाज सुनिएगा, 10, 10 और 30 सुनिएगा आवाज। जी के सरकार तशरीफ लाने लगे, भी खुशियां मनाने लगे। ओके ठीक है, किसकी आवाज है ये? मैं ऑप्शंस देता हूं, अलहाज खुर्शीद अहमद या सिद्दीक इस्माइल साहब, किन की आवाज है ये? बहुत मशहूर कलाम है जी, सिद्दीक इस्माइल साहब। अरे गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए, जरा दिखाइएगा फिर हम अगला सवाल करते हैं। अलहाज खुर्शीद साहब जी, ये है खुर्शीद अहमद साहब मरहूम, क्या बात है, मशहूर जमाना कलाम। कौन सा कलाम है? बहुत मशहूर कलाम है, अभी जब ये आगे पढ़ेंगे तो आप सबको याद आ जाएगा। जी दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, ठीक है, और कलाम क्या है, इसके बाद क्या आता है? दोनों आलम के रसूल, फिर क्या आता है? शुरू कहां से होता है कलाम? आमद रसूल, जश्न आमद रसूल, ठीक मान लें, मेरा ख्याल है, क्या कर, ठीक मान लें, जश्न आमद रसूल का सही मान लेते हैं। इस कलाम के शायर मुजफ्फर वारसी है या जनाब आबिद बरेलवी है? मुजफ्फर वारसी साहब है या आबिद बरेलवी साहब है जनाब? सेकंड वन, आबिद बरेलवी साहब। हमको आबिद नबी पे बड़ा नाज है, क्या भला मेरे आका का अंदाज है, जिसने रुख पर मली वो शिफा पा गया, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बिल्कुल सही है आपका जवाब, जबरदस्त। ऑलराइट, एक और आवाज सुनेंगे जनाब, सुनाइएगा आवाज। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, हाँ दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। राइट जनाब, ओके, बहुत पाकिस्तान के मशहूर शायर हैं जो कि खुद अपना लिखा हुआ कलाम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कौन है वो? बहुत मशहूर शायर हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब पढ़ रहे हैं या मुजफ्फर वारसी साहब पढ़ रहे हैं जनाब? जी इफ्तिखार आरिफ, इफ्तिखार आरिफ साहब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका जवाब, दिखा भी दीजिए जरा। हाँ जी, दिलो निगाह की दुनिया हाँ नई नई हुई है, राइट, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, जबरदस्त। सो 10, 30 और 30, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, जरा क्विक अपना गियर बदलते हैं और कुछ दूसरी नौयत के सवाल पर आते हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है जनाब? तमगा इम्तियाज। अरे फौजी एजाज कहा था, निशान हैदर, गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। बर्तानिया का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है? विक्टोरिया क्रॉस है या विक्टोरिया चेयर है? 5, 4 अगर कोई तुक्का मारना चाहे, 3, 2, 1 ओके आगे बढ़ते हैं, विक्टोरिया क्रॉस है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज क्या है? तमगा इम्तियाज। अरे निशाने पाकिस्तान है, ताज़ियत कीजिए। ओके, आपके स्क्रीन पर कुछ अल्फाज आएंगे मिक्स हुए हुए, ये किसी मुल्क शहर इलाका गली मोहल्ले का नाम होगा, जरा बताइए, दिखाइएगा जनाब कौन सा मुल्क शहर इलाका गली मोहल्ला लगे। अरे इतने सारे, किसने बजाया भाई? ये ने बजाया जी सर, ऑस्ट्रेलिया। दिखाइएगा जनाब क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया है, सही है जवाब। ऑलराइट, अगली तस्वीर दिखाइएगा, किसने बजाया भाई? ये ने अगेन, ये ने बजाया जी जी, काहिरा। दिखाइएगा, काहिरा सही है जवाब, वाह मैंने वापसी में। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा जी भाई, ए ताजिकिस्तान, जबरदस्त क्या बात है भाई। ब्रेक पे जाने से पहले दो मुहावरे बूझ लीजिए मेरे लिए, तस्वीर आएगी स्क्रीन पर, देखते रहिए, बताइए कौन सा मुहावरा है ये? ये क्या हो गया, किसने बजाया है? सी ने, अपने पांव पे कुल्हाड़ी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना सही है जवाब, जबरदस्त। अपना नुकसान खुद करना, बहुत जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। और अगली तस्वीर दिखाइएगा जनाब, किसने बजाया है? अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना सही है जवाब, एक्सीलेंट। सो 20, 40 और 40 से सूरत आल शान इल्म जारी है, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।
जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको डब्ल्यूबी मेहमानी शान एल में। डब्ल्यूबी मेहमानी वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की और हमारे डिफरेंट परफ्यूम्स, हमारा परफ्यूम मासूमाना सवाल भी हमने लॉन्च कर दिया है और आज का जो विनर है वो अपने साथ इजी कलर की बाइक लेके जा सकेगा। वन कलर वन नेशन इजी कलर 20, 40 और 40 ए टीम को सेलेक्ट किया है इन्होंने और अब तक ए टीम के कम नंबर हैं लेकिन देखते हैं अभी मुकाबला बाकी है। चलते नाथ खान जरा किधर। वसीम भाई आप बताएं पहला सवाल कौन करे। वसीम भाई आप माशाल्लाह होस्ट हैं आप। हाँ ये कौन करे। आवाज ही नहीं आ रही यार। मैं करूंगा सवाल। आप करें आप करें। मैं आप करें। बिस्मिल्लाह करें। ठीक है सर आए फिर आप करें। आए जी बिस्मिल्लाह करें। सुने भाई आज 20 रमजान है राइट। अरे लो क्या सवाल है और क्या जवाब है। अब आगे नहीं बढ़े। मक्का जवाब दुरुस्त है। वाह बहुत अहम दिन ठीक है इस्लाम का तारीख इस्लाम का। अच्छा किस हिजरी को ये वाकया पेश है। 8 सने हिजरी। जवाब दुरुस्त है। क्या बात है जबरदस्त। 20, 50, 50। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए तो आप कौन सी सवारी पर थे। ऊंट पर। जवाब दुरुस्त है। वाह ओके। नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ और कौन सवार था उस ऊंटनी पर। जनाब ऑप्शंस दे दे मेरा ख्याल है। हजरत खुबैब थे या फिर हजरत उसामा बिन जैद थे। जनाब उसामा बिन जैद। जवाब दुरुस्त है। हाँ ऑलराइट। सवारी का जिक्र किया जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे मक्के से मदीना तब कौन सी सवारी थी जो रुकी थी तो फिर आपने तय किया था कि यहां ठहरना है तब कौन सी सवारी थी। अरे सफर के दौरान का कह रहे हैं जी। सफर के दौरान नहीं जब मदीना मुनव्वरा पहुंच गए फिर एक सवारी को कहा कि अब ये सवारी जहां रुक जाए बस वहीं पे मैं कयाम कर लूंगा तो कौन सी सवारी थी जो मदीने की गलियों में। ऑप्शन दे दें। ऑप्शंस दे दूं। चले एक ऊंटनी थी या एक घोड़ा था। जना घोड़ा। अरे गलत हो गया जवाब। ऊंटनी थी। वो ऊंटनी मदीने की गलियों में सफर करते करते रुकी किन सहाबी के घर के बाहर। जनाब हजरत अय्यूब अंसारी। हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल सही है आपका जवाब। और जब ये मंजर हो रहा था जब सरकार तो आलम मक्के से मदीना आ रहे थे इस्तकबाल हो रहा था मदीने वालों की तरफ से बच्चियां दफ बजा रही थी क्या कलाम पढ़ा जा रहा था कौन से अल्फाज थे। सही है जवाब। जबरदस्त क्या बात है। 20, 60 और 70 सीने कमाल कर दिया। वसीम भाई सवाल कीजिएगा। जनाब बिस्मिल्लाह। अल बहर वला वल मौज तगा मन दे कसु तूफा होश रुबा मचे धा पार लगा जाना। सही। इसका टाइटल कलाम क्या है यानी ये कौन सा कलाम पढ़ा इन्होंने। इसमें जो उर्दू पे नात है वो तो याद है ये वाला याद नहीं है। अच्छा इसका एक वर्ड कहता हूँ आपको याद आ जाएगा। लम याति नज़ीरु का फिर नज़रिन मिसले तो शुद पैदा जाना। क्या बात है जबरदस्त। सही जवाब। अच्छा शायर का नाम बता दें। आला मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शमे रिसालत हजरत अहमद हजरत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। जवाब दुरुस्त। जनाब जनाब मोहसिन भाई सवाल कीजिएगा। الصبح بدا من طالعته مکمل کر سکتے تھے جناب گا کے کرنی ہے ویسے ہی کرنی ہے चलो जैसे भी करते हैं पढ़ के करते हैं। लुद जाम्यून तौल आती ए नूरे जबरदस्त। क्या बात है। पढ़ने का लफ्ज ज्यादा मुनासिब है गाने को पढ़ के। सही ठीक है बिल्कुल सही। नवाज शरीफ के लिए हमेशा पढ़ना ही इस्तेमाल करते हैं गाना नहीं होता। अच्छा दूसरा ये बता सकते हैं कि ये कलाम किस नाथ खां का पढ़ा हुआ है। जन्नाबे अली यानी बहुतों का पड़ा हुआ है। वजह शोहरत किसकी वजह शोहरत है। कारी भाई जफर। जवाब दुरुस्त। वाह वाह जबरदस्त। जनाब ज़ोहेब भाई
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس ملک میں؟ جناب عراق. جواب درست. اوکے. 50, 60 اور 90 یہ ہے صورتحال. ایک ویڈیو دیکھیں پھر ذرا ہم سوال کرتے ہیں اس ویڈیو میں سے. دکھائیے گا جناب. مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. واہ کیا بات ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کچھ کھلاڑی ہیں اور وہ ایک نعت شریف پڑھ رہے ہیں. تین کھلاڑیوں کا نام بتا دیں جو اس ویڈیو میں ہیں. کس نے بجایا؟ بینا جی. افتخار احمد. ٹھیک ہے. نسیم شاہ. ٹھیک ہے. بابر اعظم. رائٹ, بالکل صحیح آپ کا جواب. زبردست, کیا اچھی بات ہے کہ ہے نا, کیا زبردست طریقے سے سارے ماشاء اللہ. اور ایک کلام کون سا پڑھا جا رہا ہے؟ سرنامہ بتا دیں. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. کلام کا ٹائٹل کیا ہے؟ بزر بجاتی یا پلس ٹین ہوں گے مائنس نا؟ پھول کھیلتے ہیں پر. کیوں, کلام کا ٹائٹل نا, آپ نے کلام کا حصہ بتایا. نہیں, کلام تھوڑا سا ہنٹ. آپ نے بزر بجا دیا اس لیے میں ہنٹ نہیں دے سکتا آپ, اس لیے کہ جو کلام ہے. بس میں یہ اتنا ہنٹ نہیں دے سکتا ہوں. فائیو سینے میں موجود, فائیو موجود ہے, فور تھری آ رہا ہے اور جا رہا ہے. لا کر کلام نہیں, چل کوئی بات نہیں, مائنس نہیں کریں گے. سوری, ابھی آپ کو یاد آ جائے گا. پہلے دفعہ مائنس نہیں, تسلی ہو جائے مجھے, پھر میں ہم نے آنکھوں سے ہمیں پتا تھا کہ آپ کو یاد آ جائے گا, لیکن یہ سوال نہیں ہے. سوال نہیں, اچھا چلے کوئی بات نہیں. 50, 70, 80 اگلی ویڈیو دکھائیے گا جناب. چلائیں بھائی. اگین سوال وہی ہے اور اس میں یو ہیو ٹو بی کریکٹ اس میں, کہ یہ کون سا کلام ہے. جی, کوئی جو ہے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا. کیا بات ہے, بالکل صحیح, زبردست. آل رائٹ, 50, 80 اور 80 ہو گئے. او ہو, انٹرسٹنگ. کون پڑھ رہے ہیں یہ کلام؟ یہ کلام کون پڑھ رہے ہیں؟ ادیب رائے پوری صاحب پڑھ رہے ہیں یا مظفر وارسی صاحب پڑھ رہے ہیں؟ جناب جو فرسٹ والا آپ نے نام, ادیب رائے پوری صاحب. ہاں غلط ہو گیا جواب, تعزیت کیجیے. یہ کلام مظفر وارسی صاحب پڑھ رہے ہیں. ہاں اب میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ کلام لکھا ہوا کس کا ہے, ادیب رائے پوری صاحب یا مظفر وارسی صاحب؟ جی جی, ان کا اپنے لکھا ہوا کلام ہے. پوچھ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں, ادیب رائے پوری صاحب یا مظفر وارسی صاحب؟ کن کا بتا رہا ہوں؟ جی جی, ان کا اپنا لکھا ہوا کلام ہے. کن کا؟ ادیب رائے, مظفر وارسی کا. بالکل صحیح جواب. آلرائٹ, ٹھیک ہے, اوکے. اور یہ کلام بہت لوگوں نے پڑھا, وجہ شہرت کس کی بن گیا؟ پہلے پڑھا, پہلے نصرت فتح علی خان صاحب نے. نصرت فتح علی خان صاحب, بالکل صحیح جواب. بھائی کیا بات ہے, واہ واہ, 60, 80 اور 80. بھائی مقابلہ تو جو ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورت حال ہے. اب تینوں کو جو ہے وہ تصاویر دکھائیں گے. پہلی تین تصاویر آپ کو دکھائیں گے, یہ ٹھیک. اب جن سے سوال ہے انہوں نے جواب دینا ہے. صحیح پہ پلس 10, غلط پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. پارٹیسپینٹ اے کو دکھائیے گا پہلی تصویر, کہ یہ کون ہے بھائی. آل رائٹ جناب, مشہور و معروف سماجی کارکن برنی صاحب, آصم برنی. آصم برنی نہیں ہے, غلط ہو گیا جواب, سارم برنی ہے یہ. اگلی تصویر دکھائیے گا, کون سے ملک کا جھنڈا ہے یہ؟ فٹ بال بھی اچھا کھیلتی ہے یہ ٹیم, اور چلو پچھلے فٹ بال ورلڈ کپ کی رنر اپ ٹیم ہے. آپشن؟ آپشن نہیں دے سکتا, ہنٹ دے دیتا ہوں. یار بہت آسان ہو جائے گی, چلو ایفل ٹاور. فائیو فور رشیا. ارے ایفل ٹاور کہہ رہا ہوں تو فرانس میں ہوگا نا بھائی. چلو بحریہ ٹاؤن لاہور ہی کہہ دیتے, سمجھ میں آتے. اب رشیا پہنچ گیا بھیا, غلط ہو گیا. ایفل ٹاور سے بڑی ہنٹ کیا ہو سکتی ہے, اب تو کراچی میں بن گیا. ہاں چلیں اگلی تصویر دکھائیں بھائی, آخری. اچھا یہ میں آپ کو تھوڑی سی ہنٹ دے دیتا ہوں کہ یہ کنواں جناب حاجرہ, کون سا کنواں ہے یہ؟ اللہ اکبر. فائیو فور حضرت ابراہیم سے منسوب ہے. کیا کہنا, مطلب سب سے نہیں, اس سے زیادہ مشہور کوئی کنواں نہیں ہے. حضرت ابراہیم سے منسوب ہے. میں نے جتنی ہنٹ دے دی اس میں جناب حاجرہ کہہ دیا میں نے تو. اور جس کنویں میں حضرت ابراہیم کو, میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. میں آپ کو, ہاں میں جو بتایا اس سے آپ کو آنسر بتانا. ہاں بھائی, ہاں تو کیا نہیں جواب؟ بھائی فور نہیں, میں نہیں دوں گا. نہیں جناب حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, کنواں زمزم,
लेकिन मैं इससे हिंट नहीं दे सकता ना, क्योंकि बहुत ही आसान था। हो सकता है तस्वीर के अतबार से जरा ना भी देखा हो, तो हमने हिंट से इतना आसान कर दिया कि वैसे कोई बात नहीं। चले ओके, सो आप दे सके, मेरा ख्याल है एक ही तस्वीर में नहीं, बल्कि आप एक भी तस्वीर का जवाब नहीं दे सके। आपने कमबैक अच्छा किया था, लेकिन इस राउंड में आप ना खेल सके। अच्छा मैडम बी दिखाइएगा पहली तस्वीर कि ये कौन है। अच्छा जनाब एधी साहब के खानवादे से ताल्लुक रखते हैं, क्या नाम है इनका, इनके नाम के आखिर में एधी आता है ऑफ कोर्स, कौन से एधी हैं। 5, 4, 3, 2 उनके बेटे, जी जी बेटे हैं, लेकिन नाम बताना है। ऑप्शन अब बाकी किसी को नहीं दिया, इतने आपको भी खाली हिंट ही दे सकता हूं मैं, थोड़ी नाम की हिंट दे दे। मैं इससे ज्यादा उनको भी नहीं दिया था ना, फैसले दिए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी अगली तस्वीर दिखाइएगा, ये कौन से मुल्क का झंडा है। फुटबॉल की मशहूर टीम, इस मुल्क का पास्ता पिज्जा टावर टेढ़ा वो बड़ा मशहूर है सब, क्या है कौन सा मुल्क है। 5, इटली इटली, यस बिल्कुल ठीक है आपको जवाब। ऑलराइट आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, कौन सा मकाम है ये। मकाम इब्राहिम, बिल्कुल सही है आपका जवाब, क्या बात है। अल्लाह ताला सबको मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आखिर आपने 3 में से 2 बता दिए, ठीक है नॉट बैड सर। सी अब तक अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अब तक इस मुकाबले से पहले राउंड से पहले दोनों के नंबर बराबर थे, बी भी आपके बराबर आ गई थी। दिखाइए जनाब पहली तस्वीर। हाँ जी ये जफर अब्बास, समाजी कारकुन जफर अब्बास, क्या बात है बिल्कुल सही। JDC अभी सितारा इम्तियाज से नवाजा गया जी 1 हफ्ते पहले, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जनाब जफर साहब। अगली तस्वीर दिखाइएगा, कौन सा मुल्क है अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर है। ओह जन्नत जैसे नज़ारे, मतलब जन्नत नुमा नज़ारे मशहूर कहते हैं, इनका बैंक भी मशहूर है, जिनीवा जिनीवा। चलो 5, 4 नहीं जिनीवा स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक शोहरत स्विट्जरलैंड। ओके और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, मैं जरा हिंट देता हूँ, देखिए बिल्कुल सही है आपका जवाब, जबरदस्त। सो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो गया है, जहां पर ए के नंबर हैं 60 और बी और सी दोनों 100-100 पर खड़े हैं। तो हम ए से आगाज करते हैं, अगले 60 सेकंड में भाईजान आपके तरह से लाउड क्लियर बोलने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मुझे दोबारा ना पूछना पड़ेगा आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा मुझे आप कह रहे हैं ना पहला वाला दूसरा वाला, ये इसमें ना कीजिएगा, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैं सोचूंगा पहला क्या था दूसरा क्या था, इसमें अपना माइंड नहीं अप्लाई कर रहा है इस वक्त सवाल करना। चले आपके 60 सेकंड्स का वक्त, ए जीतेगा नहीं जीतेगा देखते हैं। आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है सर। अब मकनी का कब्रिस्तान, ठट्टा या हैदराबाद। ठट्टा सही। पाकिस्तान में पाया जाने वाला सबसे बुलंद पहाड़, केटू या मरी। केटू ठीक। जनरल आसिम मुनीर 17th आर्मी चीफ या 117th। 17 ठीक। मुसलमानों की तंजीम LBC या OIC। OIC ठीक। आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा बलूचिस्तान या पंजाब। पंजाब ठीक। पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर या रहीम यार खान। ठीक। उर्दू का पहला अवामी शायर फराज या नजीर अकबर आबादी। नजीर अकबर आबादी ठीक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर Washington DC या साउथ कोरिया। Washington DC ठीक। दामने को कराची में है या इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद ठीक। पाकिस्तान का पुराना बैराज सखर बैराज है या दरियाए काबुल। सखर बैराज ठीक। सियालकोट यानी सिलकोट का किला या रोशनियों का शहर, जो आपने पहले वाला ठीक है। असहाबे फील यानी हाथी वाले या हथियार वाले। हथियार वाले हाथी वाले गलत। असहाबे फील का सरबरा अब्रहा या अबू जहल। अब्रहा ठीक। सूरह यूसुफ की आयात 111 या 11। 111 ठीक। कुरान मजीद का 12वां पारा वमिन दाबा या वल मुहसिनात। ऑप्शन रिपीट कीजिएगा, ऑप्शन नहीं सुनने में वक्त खत्म हो गया, इसलिए रिपीट नहीं करता। अगर मैं 60 सेकंड के अंदर आप कहते हैं तो मैं रिपीट कर देता, अब लेट हो गया उसमें, चूंकि सबका टाइम कंप्लीट हो गया, बट नो प्रॉब्लम, चूंकि मेरी मजबूरी है मैंने सबके साथ। लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला है, खाली 2 सवाल के जवाब गलत दिए, अच्छा खेला है आपने, उसमें से भी एक बड़ा आसान था यार, पता नहीं आपको पता भी था असहाबे फील हथियार वाले नहीं हाथी वाले, आपने बाद में सही जवाब दे भी दिया, लेकिन पहला जवाब आखिरी जवाब, लेकिन आपने अच्छा खेला, अच्छा खेला आपने। हाँ भाई बी और सी में से किससे पूछे सवाल, दोनों के 100-100 नंबर थे, किससे पूछे बी। हाँ क्या कह रहे हैं, सॉरी अच्छा बी से पूछे मैंने, भाई सब कह रहे हैं, सबका इशारा है कि बी से पूछे सोहेब भाई कह रहे हैं, तो हम सी से आगाज करते हैं भाई। चले भाई सी के हैं पहले 60 सेकंड और आपके 60 सेकंड का वक्त शुरू होता है सी। क्रिकेटर आजम खान मुइन खान के बेटे या शोएब मोहम्मद। मुइन खान ठीक। चीन की पार्लियामेंट मजलिस शूरा या नेशनल पीपल। नेशनल पीपल ठीक। हज्जाज बिन यूसुफ इराक या सऊदी अरब। इराक ठीक। स्पेन का पुराना नाम हिस्पानिया या म्यांमार। हिस्पानिया ठीक। महनामा उर्दू मुअल्ला जारी किया इकबाल ने या हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ठीक। अरबी में जार यानी पड़ोसी या औरत। दोबारा अरबी में जार पड़ोसी या औरत। पड़ोसी ठीक। वो गवाह जिसने आंखों से मामला देखा हो, मुजरिम या ऐनी शाहिद।
عینی شاہد تھی امام حسین کا مزار کربلا پاکستان کربلا تھی نجاشی بادشاہ کے سامنے تقریر حضرت بلال حضرت جعفر حضرت بلال غلط نیٹ گولز کرکٹ میں ہوتے ہیں یا فٹ بال میں فٹ بال میں تھی دنوں کا سردار پیر یا جمعہ جمعہ تھی ہلال یعنی سورج یا چاند چاند تھی پشاور بلوچستان یا کے پی کے کے پی کے تھی پاکستان کا آخری الیکشن 2024 یا 2018 تھی 2008 کا الیکشن کون جیتا پیپلز پارٹی یا نون لیگ نون لیگ غلط پیپلز پارٹی 8 کا پیپلز پارٹی جیتی تھی صحیح 13 جواب صحیح دیں اچھا کھیلا آپ نے بہت اچھا آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے بھی اتنا اچھا کھیل سکتی ہیں چونکہ آپ نے مقابلے میں بڑا اچھا کم بیک تو کیا ہے سو اب دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے کتنے سوالات کے آپ نے صحیح جواب دینے اندازہ ہے 15, 13 ٹھیک ہے ابھی اس کو چھوڑ دیں اس گنتی کو آپ جوابات دیں ٹھیک ہے اور آپ اور یہ دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے تھے تو اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں چونکہ آپ ان سے پیچھے نہیں تھی اس مقابلے سے پہلے اس راؤنڈ سے پہلے آپ بھی وہیں کھڑی تھی جہاں یہ کھڑے ہیں سو 60 سیکنڈ ہیں اور آپ کے 60 سیکنڈ کا وقت سر میڈم شروع ہوتا ہے اب میاں والی کا پرانا نام لائل پور یا میاں علی میاں علی ٹھیک پاکستان کا پہلا ایٹمی پاور اسٹیشن کراچی یا سکھر سکھر غلط پاکستان کا شہر کھیلوں کا سامان سیالکوٹ یا کراچی سیالکوٹ ٹھیک حضرت موسیٰ کے دور کا دولت مند شداد یا قارون قارون ٹھیک کون سا آدمی ہے جس کی لاش محفوظ قارون یا فرعون فرعون ٹھیک ڈینمارک کی سرکاری زبان بنگلہ یا ڈینش ڈینش ٹھیک تھرڈ امپائر کرکٹ میں ہوتا ہے یا سوئمنگ میں غلط کرکٹ میں آن فیلڈ امپائر دو یا زیرو دو ٹھیک پاکستان میں سپریم کورٹ ایک یا گیارہ ایک ٹھیک ہارورڈ یونیورسٹی 1636 یا 1836 غلط اٹامک تھیوری جان ڈیلٹن یا ایڈیسن غلط الجزیرہ چینل کراچی یا دوحہ دوسرا والا ٹھیک ہے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش یا بھوٹان بنگلہ دیش ٹھیک کراچی کس سمندر کے کنارے عرب یا قلزم دوسرا والا غلط شالیمار باغ لاہور یا اسلام آباد لاہور ٹھیک پاکستان کے پہلے سول اینڈ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سرتاج عزیز یا بھٹو سردار عزیز غلط آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کے درمیان باؤنڈری لائن ریڈ کلف یا لائن آف کنٹرول فرسٹ ون غلط ارے 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 کچھ بہت آسان سوالات کے آپ نے غلط جوابات دیے ورنہ یہ معاملہ آپ جیت سکتی تھیں مجھے لگا کہ شاید جیت جائیں گی کچھ آسان سوالات کے جوابات غلط ہوئے سو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تو ظاہر ہے جو ٹیم سب نے سلیکٹ کی وہ تو آپ کو اسی وقت اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا ہونا 190 نمبر ہیں ان کے جی زہیب بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں ماشاء اللہ تو زہیب بھائی کے لیے بھی اور کرتے ذرا تیار کرتے ہیں بھائی گاری بہت ہے ہاں صحیح اور ٹیم بی کے ہیں نمبر 200 اور ٹیم سی کے نمبر ہیں 230 آج کا مقابلہ ٹیم سی نے جیتا زبردست ایزی کلر کی بائک جائے گی آپ کے ساتھ پاکستان کا پہلا سنتھیٹک کلر ایزی کلر ون نیشن ڈبلیو بی بی ہمانی کے گفٹ ہیمپر تھے تینوں کے ساتھ اچھا مقابلہ ہوا ہے تھرڈ میں اور سیکنڈ میں ایک سوال کا فرق ہے سیکنڈ میں اور فرسٹ میں 3 سوالات کا فرق ہے سو ویل پلیڈ ایوری ون آپ نے آخری راؤنڈ بہت اچھا کرا زبردست بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ان شاء اللہ